नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और बात करेंगे सिकाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, कैसे रहे रिजल्ट जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो अच्छी चीज़ है, ये बहुत सी कम कंपनीज आपको डिविडेंड दे रही है, तो कंपनी आपको 10% यानी कि 10 रुपये की फेस वैल्यू के हिसाब से 1 रुपये का डिविडेंड दे रही है। क्वार्टर वन के रिजल्ट हैं तो बहुत लिमिटेड कंपनीज हैं जो आपको डिविडेंड ऑफर कर रही हैं। तो हम आ चुके हैं रिजल्ट के ऊपर। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। इन लैख में फिगर्स हैं, टोटल इनकम की बात करेंगे, 7,332 लाख की कंपनी ने इनकम जनरेट की है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 7,259 थी। यानी कि कंपनी ने ना सिर्फ क्वार्टर बल्कि ईयर ऑन ईयर दोनों में ही अच्छी इनकम जनरेट करके बताया है। एक्सपेंस की बात करें तो 5,890 लाख की कंपनी के एक्सपेंस हुए, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है, यानी कि इनकम ज़्यादा जनरेट हुई है और एक्सपेंस कम हुए हैं। 5,893 लाख के एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में थे। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, 1,088 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 1,042 था। उस हिसाब से कंपनी ने लगातार अच्छा प्रॉफिट गेन करके दिखाया है, ना सिर्फ क्वार्टर में बल्कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। EPS की बात करें, 3.54 रुपये का कंपनी का EPS है, 4 रुपये पिछले क्वार्टर में था। तो ये थोड़ी सी गिरावट हमें EPS में देखने के लिए मिल रही है, लेकिन स्टिल अच्छा साइन है कि कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तरक्की भी करके दिखा रही है। तो ऑब्वियस है कि रिजल्ट अच्छे आए हैं। पर्सनली मुझे रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल लगे, आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कंसोलिडेट के रिजल्ट पे आते हैं, 7,993 लाख कंपनी की इनकम है, पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर में 7,427 लाख थी। एक्सपेंसेस की बात करेंगे, 6,332 लाख की कंपनी के एक्सपेंस हुए। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 1,281 लाख की कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट है, बहुत ही ज़बरदस्त। लास्ट क्वार्टर में 1,163 था, तो देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है। EPS की बात करें तो कंपनी एक शेयर के पीछे 4.17 रुपये अर्न कर रही है, लास्ट क्वार्टर में 4.49 रुपये थे और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 3.90 रुपये थे। तो ऑब्वियस है कि रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगे हैं, आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।